अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओंकार हूं। जगत में व्याप्त संपूर्ण त्रिगुणात्मक गतिविधियों का प्रथम एवं प्रत्यक्ष दृष्टा, मेरी दिव्य दृष्टि से जगत का कोई भी परमाणु अछूता नहीं। नृत्य गान के स्वरों से झंकृत इंद्र सभा के बाहर कामदेव देवर्षि नारद पर अपने बाणों का प्रहार करने को प्रस्तुत होते हैं, किंतु नारायण भक्त नारद कामदेव को रीति नीति के प्रसंग में भ्रमित कर काम बाण को संध्या जैसी सुपात्र के लिए उपयोग करने की मंत्रणा देकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने में सफल होते हैं। बाण से आहत संध्या काम पीड़ित और भ्रमित होकर भटकने लगती है। सम्मुख आए हर प्राणी को काम की दृष्टि से देखती हुई वो ब्रह्मा के समक्ष आती है। ब्रह्मा भी भावावेश में संध्या की ओर आकर्षित होते हैं। शिवजी नेत्र खोलकर स्थिति का भान करते हैं और ब्रह्मा को इस कुकृत्य व अनुचित आचरण के लिए प्रताड़ित करते हैं। यद्यपि यह अप्रिय घटना कामदेव के कारण ही घटित हुई, पर संध्या इससे प्रभावित होकर आत्मग्लानि की अग्नि में जलते हुए आत्महत्या तक करने के लिए तत्पर हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी संध्या को इस मानसिक पीड़ा से उबारने के लिए वशिष्ठ को प्रेरित करते हैं कि वे संध्या को शिव साधना के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताएं। देवी संध्या, मैं वशिष्ठ ऋषि हूं। सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे क्रोध शोक शमन के निमित्त भेजा। जब मेरे इष्ट देव शिव शंकर जी मुझसे कुपित हो गए हैं तो मेरे इस जीवन का अर्थ ही क्या है? क्रोध शोक शमन के उपरांत भी मेरे होने का क्या प्रयोजन? तुम्हारी प्रश्न पहली में ही तुम्हारा उत्तर भी है, अर्थात इष्ट देव शिव शंकर जी का कोप यदि तुम्हारा दुख है तो उन्हीं की प्रशंसा से तुम्हारा सुख भी हो सकता है। उनके कोप को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देवादिदेव शिव शंकर जी की तपस्या। शिव शंकर जी अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारण है, अधिश्रिष्टा है, आदित्य है, पुरुषोत्तम है। उनसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप तब तक करती रहो जब तक शिव जी स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा उद्धार करने के लिए बाध्य न हो जाए। मैं अवश्य करूंगी। अपने चित में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर तुम देवादिदेव शिव शंकर जी का चिंतन करो कि वो तुमसे प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट फल प्रदान करे। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके आदेशानुसार शिव आराधना करके देवाधिदेव शिव शंकर जी को मैं अवश्य प्रसन्न करूंगी।
वरदान मांगो। महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देने के इच्छुक हैं और मैं उसे पाने के योग्य हूँ तो मुझे दो वर दीजिए। पहला वर ये कि संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम से युक्त न हो, यौवनावस्था को प्राप्त होने के उपरांत ही उसमें कामेच्छा जागृत हो। तुम्हारा पहला वर मैंने तुम्हें दे दिया देवी, अब अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। मेरी दूसरी इच्छा यही है प्रभु कि यही मेरी अंतिम इच्छा हो। तात्पर्य? आप मुझे इस दूषित देह से मुक्ति दीजिए प्रभु, उसके उपरांत आप मुझे एक नया जन्म दें जिसमें एक ऐसे महामात्र से मेरा विवाह हो जिसके संदर्भ से मेरा नाम भी एक ऋतु के रूप में जाना जाए। तथास्तु। किंतु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवन? इस पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तपस आश्रम में मेघा ऋषि 12 वर्षों तक चलने वाले महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम वहां निडर होकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। तदुपरांत तुम्हारे मन में जिस पुरुष को पति रूप में पाने की इच्छा है उसे हृदय में धारण किए अपने शरीर को यज्ञ की आहुति बनाकर अग्नि में होम देना, फिर वही अग्नि तुम्हारी जननी भी होगी, अर्थात तुम्हें एक नया जन्म मिलेगा। मेघा ऋषि। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम। सदा शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलती देवी संध्या मेघा ऋषि के आश्रम पहुंच गईं, जहां महायज्ञ चल रहा था। सभी के लिए अस्तित्वहीन अदृश्य संध्या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यज्ञाग्नि की ओर बढ़ती गई और अंततः उसी में समा गई। तत्पश्चात यज्ञ की अग्नि से उभरा लाल प्रकाश देखते ही देखते पूरी तरह दो भागों में फैल जाता है। इस प्रकार संध्या का अस्तित्व दो भागों में बट गया, प्रातः संध्या और सायं संध्या। प्रातः संध्या देवताओं की आराधना के लिए और सायं संध्या पितरों के आह्वान के लिए। तो क्षितिजों में फैली संध्या के दृश्य पर ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कौन मायावी हो तुम? इस पवित्र अग्नि से प्रकट होने की धृष्टता तुमने कैसे की? क्यों की? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? उत्तर दो। मैं आपकी पुत्री हूँ पितृवर, आपके आशीर्वाद की आकांक्षिणी हूँ। धर्म, नीति, मर्यादा और व्यवहार के नाते मैं तुम्हारे प्रणाम और चरण स्पर्श के लिए तुम्हें दीर्घायु और सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, किंतु अकारण पितृत्व का अधिकार नहीं दे सकता। भला तुम मेरी पुत्री और मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ? भगवान शिव की अनुकंपा और कृपा के कारण ही यह संबंध स्थापित हुआ है पितृश्रेष्ठ। कल्याणी, बार बार मुझे पिता संबोधित कर क्या तुम मेरे पितृ भाव की परीक्षा ले रही हो? आप त्रिकालदर्शी है, आपको इस सत्य का ज्ञान तो अवश्य होगा कि मैं कौन हूँ, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। भागे, तू हमारे ज्ञान और जप तप को चुनौती देने आई है? नहीं पितृवर, नहीं,
पिता के प्रति ये दुष्टता कैसे कर सकती है? फिर वही प्रलाप, पुत्री पुत्री पुत्री, कब कहां और कैसे प्रमाणित हुआ कि तुम मेरी पुत्री हो? दुर्भाग्य है मेरा कि अपने पिता के सम्मुख उनकी पुत्री होना मुझे प्रमाणित करना पड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? करो, किंतु मुझे पिता और स्वयं को पुत्री ना कहते हो। यदि मैं आपके तन से उत्पन्न होती तो तनुजा कहलाती, यदि मन से उत्पन्न होती तो मानसी कहलाती, किंतु मैं आपके उस पुण्य से उत्पन्न हुई हूँ जो शिव की आराधना के प्रतिफल में आपका अधिकार है। पितृवर, मैं पुण्यजा हूँ। पितृवर, शिव आराधना के पुण्य से प्रतिफल में प्राप्त पुत्री को इतना कुछ ज्ञान है और फल की प्राप्ति करने वाले पिता को इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं? ये आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। यदि ये सत्य होता तो स्वयं शिव भगवान इसकी पुष्टि करते, स्वयं निर्णायक होते, किंतु ऐसा नहीं। अब ऐसा ही होगा। हे देवों के देव, मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो। ऋषिवर की पुत्री बनाकर जो सम्मान आपने मुझे दिया, ऋषि के सम्मुख उसे स्वीकृति से प्रामाणिक करो। दया करो भोलेनाथ, कृपा करो। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर दया करो, कृपा करो मुझ पर, मेरी सुनो, मुझ पर कृपा करो देव। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। देवों के देव महादेव, मुझ पर कृपा करो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो, मेरी सुनो। हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। हे देव, मुझे दर्शन दो। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो। हे देवों के देव महेश्वर, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो देव। प्रकट होना पर्याप्त है अथवा भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है? आपके प्रकट होने से ही सत्य प्रकट हो गया भोले भंडारी। तो फिर अपनी पुत्री का नामकरण कीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, मैं आपकी आधी आज्ञा का ही पालन कर पाऊंगा इसका नामकरण करके। आशीर्वाद देने का कार्य तो स्वयं आप ही करेंगे। सूर्य की आभा है इसके, अर्थात अरुण जैसी धरती से इसका मुखमंडल दीप्त है, इसलिए मैं इसका नाम अरुण धति निश्चित करता हूं। भगवान शिव शंकर की जय। देवी अरुण धति की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवी अरुण धति जय। मेघा ऋषि, आपको देवी अरुण धति जैसी पुत्री प्राप्त हुई, इस सौभाग्य के लिए बधाई। अब इसका विवाह सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ कर इसके नाम को अमरता प्रदान करें। जो भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान शिव का वरदान पाकर अरुंधति का भविष्य प्रशस्त हुआ और उनके वरदान स्वरूप ही सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। कितना शुभ दिन है आज, वशिष्ठ मुनि के साथ देवी अरुंधति का विवाह हो रहा है। शुभ शुभ है ऋषिवर, किंतु ये समझ में नहीं आता कि शिव शंकर ने सप्त ऋषियों में से जानते हुए भी इस वर का चुनाव क्यों किया। ऋषि विश्वामित्र भी तो कम ज्ञानी ध्यानी नहीं थे, उनका तब तो देवताओं की ईर्ष्या का कारण है। हाँ, ये विचार तो मैंने भी किया था, किंतु उत्तर कौन दे? इसका उत्तर मैं दूंगा। भगवान शिव के निर्णय में शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण जगत में समता, ममता और मित्र भाव के रखने के कारण विश्वामित्र उच्च कोटि के तपस्वी हैं, किंतु वशिष्ठ समस्त जगत के कल्याण की कामना के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ।
हे प्रभु, इस शुभ घड़ी में आपके आगमन की हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषिवर, पुत्री अरुंधति को मंडप में लाइए। Mm-hmm.